हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल राशि सर्विस सेंटर में। और आज की वीडियो का टॉपिक जो है कि अम्ब्रेला मशीन में जो पहिया लहरता है, हिलता है, डोलता है, उसको कैसे सही करें। और ये वीडियो जो है मांगी हमारे असलम भाई ASZ पठान है, उन्होंने वीडियो मांगी है। तो आइए फ्रेंड्स, मैं दिखाता हूँ आपको जो अम्ब्रेला मशीन में जो व्हील जो है उसका लहराने लगता है, उसकी लहर हमें कैसे सही करनी है, उस टॉपिक पर वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है देखिए आप देख सकते हो, ये काफ़ी इसका ये व्हील जो है ये देखिए काफ़ी ये डोल रहा है, चल रहा है, हिल रहा है काफ़ी। ये इसको कैसे सही करना है आज इस टॉपिक पर वीडियो है। और ये जो है वीडियो जो है आपको आज बहुत इंशाल्लाह बहुत जल्दी बहुत और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इस टॉपिक के बारे में आज आपको समझाऊंगा। तो वीडियो में फ्रेंड्स लास्ट तक बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें और मेरे चैनल राशि सर्विस सेंटर को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें आप देख सकते हो ये कितनी इसमें लहर, मैं आपको इस तरीके से दिखाता हूँ अगर इस तरीके से समझ में नहीं आए तो। देखिए आप ये देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पर ये कितना, देखिए यहाँ पर ये टच हो रहा है और यहाँ आकर के कितना, लगभग दो सूत का गैप, देखिए फ्रेंड्स इसमें लगभग दो सूत का गैप इसमें आ गया है। और देखिए यहाँ पर ये बिल्कुल चिपक कर चल रहा है, देखिए ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ये हल्के से आवाज़ भी आपको, इंशाल्लाह आपको आवाज़ भी आती होगी। तो देखिए यहाँ पर टच हो रहा है, यहाँ पर काफ़ी गैप है। अब इस लहर से, मशीन में लहर होने से क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या दिक्कत आएगी, क्या परेशानी आएगी, ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, इसमें जो मशीन में लहर जो होती है, पहिया डोलता है, लहरता है, उससे प्रॉब्लम परेशानी क्या आती है, एक तो मशीन आपकी टाइट चलेगी, भारी चलेगी मशीन, और दूसरी चीज़ जब ये लहराएगा तो पैरदान पर ये मशीन कांपेगी, हिलेगी मशीन इस तरीके से। सिर्फ दो कमी आएंगी, एक तो मशीन आपकी टाइट चलेगी और दूसरी चीज़ मशीन पैरदान पर हिलेगी। अब इस लहर को हमें कैसे सही करना, तो वो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको करना क्या है, इस तरीके से एक पेचकस ले लें और यहाँ इस तरीके से आपको सेंटर बनाना है। तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ एंटर हो रही है, चिपक रही है, यहाँ पर जहाँ ये पेचकस से टकराने लगे तो इसका मतलब ये पहिया जो है आपका इस तरीके से आड़ा है। तो इसको आपको यहाँ पर इस तरीके से हल्के से किसी भी चीज़ से चोट मार लेनी है और इस तरीके से आपको इसकी लहर को सही कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड, उस टाइम के मुकाबले काफ़ी सही हो चुकी है और हल्के से अब भी आपको थोड़ी लहर है इसमें, तो थोड़ी सी और इस तरीके से और सही कर लें, बेहतर तरीके से बढ़िया हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हल्की सी चोट और लगने की है इसको, आप देख सकते हो ये हल्की सी लहर है इसमें। ये लहर का काम सिर्फ यही होता है, एक तो लहर ज़्यादा होगी तो मशीन पैरदान पर हिलेगी और दूसरी चीज़ मशीन थोड़ी भारी चलेगी। तो फ्रेंड्स, और बाकी इंशाल्लाह वीडियो को स्किप ना करें और मशीन जाम हो जाए आपकी, जैसे मशीन टाइट होने लगे जाम, लहर निकालते समय आप एक ही साइड से चोट मार रहे हैं, जाम होने लगे तो आपको लास्ट में ये इस तरीके, देखिए यहाँ चिपक रहा है, इसको नीचे की साइड लाएं, यहाँ गैप है, तो इसको पत्थर को इस तरीके से ऊपर की तरफ निहाई को मार लें और देखिए लहर जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और ये वीडियो जो थी मांगी थी हमारे असलम भाई ASZ पठान, उन्होंने वीडियो मांगी थी। तो देखिए फ्रेंड्स, लहर जो है बिल्कुल बेहतरीन, आप देख सकते हो यहाँ पर बिल्कुल गैप नहीं है, बिल्कुल भी फिट होकर के चल रही है, आप देख सकते हो इंशाल्लाह। और उम्मीद करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी और वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, स्किप करेंगे तो आप जल्दी वीडियो को नहीं समझ पाएंगे। और वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके ना देखें, क्यों स्किप करके देखने पर आप कई लोग शिकायत करते हैं कि इसमें समझ में नहीं आया। तो फ्रेंड्स वीडियो पूरा देखें, इंशाल्लाह खूब समझ में आएगा। और मैं अपनी पूरी यही कोशिश करता हूँ कि जहाँ तक है जिस अच्छे से अच्छे तरीके से समझा सकूँ। और बाकी असलम भाई वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और बाकी जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल राशि सर्विस सेंटर को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की। बाकी फ्रेंड्स वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।